नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी अपघटन अभिक्रिया के बारे में, डिसोसिएशन या वियोजन अभिक्रिया के बारे में, और हमने कहा था कि अगर कोई भी एक क्रियाकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसको हम कहते हैं वियोजन। और तोड़ने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा, जो हम जनरली मुख्यतः तीन टाइप से दे सकते हैं। यदि हम तोड़ने के लिए ऊर्जा ताप या ऊष्मा के रूप में दे रहे हैं तो उसे कहते हैं तापीय या ऊष्मीय वियोजन, और यदि तोड़ने के लिए हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? और अगर हम ऊर्जा सूर्य के प्रकाश या मैं कहूँ फोटोन या एच न्यू के रूप में दे रहे हैं तो उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो यहां तक हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर बात कर ली थी। नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद में आगे इस क्लास को देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जितने भी प्लेटफॉर्म है आपके पास में वहां सब जगह शेयर करें। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसका ए पार्ट, एग्जाम्पल तापीय या ऊष्मीय वियोजन। यहां से जो अभिक्रियाएं आएंगी हमारे एग्जाम में आपको पहचानना है कि ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्लियर? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर? चलो अब बात करते हैं अपन। चलो अब ध्यान से देखिएगा, ये तापीय और ऊष्मीय वियोजन हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने पहला एग्जाम्पल है CaCO3। दोस्तों CA इसे हम कहते हैं कैल्शियम, CA कैल्शियम, और CA3 इसको कहते हैं कार्बोनेट। कुल मिला के बात की जाए तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम +2 होता है और CO3 -2 होता है, तो +2 से -2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए CaCO3 हम केवल ऐसे लिखते हैं। क्लियर? और CaCO3 ये एक सॉलिड होता है, क्या होता है? सॉलिड। और ये कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। दोस्तों जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो टूट जाता है। किसके रूप में टूट जाता है? एक तो हमारे पास में टूटता है CaO के रूप में, और एक हमको क्या प्राप्त होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है जो वायुमंडल में ऊपर उड़ जाती है। अब यहां से काम की बात ये है, आप कैसे पहचानोगे? देखो यहां पर एक से दो उत्पाद बन रहे हैं, क्रियाकारक आपके सामने एक है और उत्पाद आपके सामने कितने हैं, दो है। अगर क्रियाकारक एक है, उत्पाद आपके सामने दो है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, ये अभिक्रिया है थर्मल या मैं कहूं हीट डिसोसिएशन का एग्जाम्पल है। यहां काम की बात यह है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं? चूना पत्थर। दोस्तों इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं संगमरमर, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं संगमरमर, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं मार्बल, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं खड़िया पत्थर। क्या कहते हैं? खड़िया पत्थर। और इसे हम कहते हैं चौक। तो आपसे अगर सवाल पूछ ले कि चौक या संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप ये बताओगे, क्योंकि ये दैनिक जीवन में काम में आने वाला यौगिक है, यहां से एग्जाम में सीधा सीधे सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर? ये, और यहां पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। दोस्तों ये वही चूना है जो आप जब सफेदी करते हो, कली करते हो, आप भट्टे से जो पत्थर जो टुकड़े लेके आते हो, ये वही है बिना बुझा चूना। जैसे ही जल में डाल दोगे बुझ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम सफेदी का विलयन कहते हैं। तो याद रखना, इसे बिना बुझा चूना कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं क्विक लाइन। क्या कहते हैं? क्विक लाइन। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि क्विक लाइन का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर?
बिना बुझा चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और याद रखना, यहां से एक बात और याद रखना, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो याद रखना क्विक सिल्वर मरकरी को कहते हैं, पारा को कहते हैं, जिससे मीना माता रोग होता है। क्या होता है? मीना माता रोग। ये बात भी याद रखना। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। एक एग्जांपल हमारे पास में है FeSO4.7H2O, जिसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं हरा कशिश। क्या कहते हैं? हरा कशिश। ये बात याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले जब हम इसको गर्म करते हैं तो पहले तो जलकणु बाहर निकलता है, और हमारे पास में ये 7 जलकणु बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास में क्या बन जाएगा? हमारे पास में बनेगा FeSO4, ये सॉलिड। और जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास में यहाँ क्या बनता है? हमारे पास में यहाँ बनता है पहले तो Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। ये गैस होती है जिसके कारण यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की क्या आती है? गंध आती है। इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान से समझे, अच्छे से समझे। ये गैस है जिनके कारण एक विशिष्ट प्रकार की अभिलाक्षणिक गंध आती है। अभिलाक्षणिक गंध, क्लियर? इन सल्फर के कारण आती है। तो यहां पर आपने देखा कि आपके पास में जो क्रिया कारक है वो कितना है? 1। और इससे देखो उत्पाद 2 या 2 से क्या बनने है? ज्यादा बैलेंस करो, यहां पर 2 है तो आप इसको यहां, मैं केवल यहां तक बैलेंस कर रहा हूं, यहां 2 है ऐसी, तो मैंने यहां 2 लगा दिया। देखो सल्फर 2 हो गए, 1 2, ऑक्सीजन 4 × 8, तो 3 2 5 और 3 कितनी हो गई? 8 हो गई। पूरी तरीके से अभिक्रिया क्या हो गई? बैलेंस हो गई। चलो तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पहले मैं आपके सामने किसके एग्जाम्पल ले रहा हूं? उष्मीय वियोजन के। यहां पर आप छोटी छोटी बातें याद रखते चले कि हरा कशिश का सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएंगे, समझ गए ना। और अगर यहां पर क्या हो, अगर मेरे भाई यहां पर जिंक हो और ZnSO4.7H2O हो, तो इसको बोलते हैं क्या? सफेद कशिश बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप अच्छे से याद रखें ताकि एग्जाम में कोई गलत होने वाला सवाल है ही नहीं, क्लियर। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेड नाइट्रेट। ये हमारे पास में लेड नाइट्रेट का सूत्र है। ये लेड नाइट्रेट अकेला है, अकेला केवल क्रिया कारक है। जब हम इसका उष्मीय वियोजन करते हैं, हम उष्मा के द्वारा या गर्म करके हीट देते हैं, तो ये एक तो लेड ऑक्साइड में और एक नाइट्रिक ऑक्साइड में, सॉरी यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड में और O2 गैस के अंदर टूट जाता है। अब यहां पर मजेदार बात यह है, क्रिया कारक 1 है लेकिन उत्पाद 2 या 2 से क्या बन रहे? ज्यादा 3 बन रहे हैं हमारे पास में। इसका मतलब क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। यहां पर जो NO2 गैस होती है, ये एक भूरे रंग की गैस होती है और इसका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं भूरी वलय, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, क्लियर। तो थोड़ा सा दिमाग में ये भी याद रखिए, मैंने NCERT के 10th क्लास की जो बुक है NCERT, उसी के मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूं, उसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। उसके बाद में मैं कह रहा हूं, यदि मैं वियोजन करवा रहा हूं और वियोजन हम विद्युत धारा प्रवाहित करके करा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लियर। और जैसे फॉर एग्जाम्पल जल का वैद्युत अपघटन, जनरली वैद्युत अपघटन हमें किसी भी वैद्युत अपघट्य या लिक्विड का कराया जाता है, लिक्विड का। उसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं और 2 इलेक्ट्रोड लगा करके एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और दोनों का कनेक्शन, जैसे मैं कहूँ ये आपके पास में कोई पात्र है, कोई कंटेनर है, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो उसका आपने क्या बना दिया? वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट बना दिया, ठीक है। और इनका करेक्शन आप किससे कर दिए? बैटरी से कर दिए। तो होता क्या है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो वैद्युत अपघट्य टूट जाता है, ये जल है टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन गैस में और एक ऑक्सीजन गैस में, जिसमें से हाइड्रोजन जनरली पॉजिटिव होती है तो ये नेगेटिव कैथोड के पास जाती है,
ठीक है, कौन H2। और जबकि ये एनोड होती है, एनोड पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होती है, इसलिए ऑक्सीजन गैस कहां पर चली जाती है, एनोड पर चली जाती है। तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस कहां प्राप्त होती है, तो आप कहोगे कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर। क्लियर, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। क्लियर, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके सी टाइप के एग्जाम्पल, जो हम बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन के बारे में। तो ध्यान से सुनना, ये हमारे पास में AgCl है, इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट में इसे कहते हैं होरन सिल्वर। किस नाम से जाना जाता है? ये होरन सिल्वर के नाम से ये मार्केट में जाना जाता है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश, बोले तो फोटोन डालते हैं, ये टूट जाता है एजी में और सीएल में। होरन सिल्वर बिल्कुल सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये चांदी के अंदर टूट जाता है और इसका रंग बदल करके, श्वेत रंग से बदल करके इसका रंग कैसा हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। क्लियर, चलो बैलेंस करते हैं। क्लोरीन दो है तो यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ दो लगा दिया, एजी दो हो गए तो मैंने यहां पर दो लगा दिया। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास में AgBr है, इसको हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। और इस पर जब सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये एजी में और Br2 में टूट जाता है। Br2 है तो यहां मैंने 2 लगा दिया, 2 एजी हो गए तो मैंने यहां 2 लगा दिया। ये मैंने बैलेंस करने के लिए लगाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभिक्रिया बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि यहां एग्जाम में सीधा सवाल पूछता है होरन सिल्वर का सूत्र क्या है, एक तो यहां से। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, जो AgBr है, AgBr का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। बोलो क्लियर। तो यहां से एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि किस यौगिक का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर AgBr का प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। क्लियर होना चाहिए पॉइंट, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप देख रहे हो क्रिया कारक एक है, लेकिन उत्पाद कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया कौन सी हो गई? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर, अब ध्यान से देखिएगा, एक NCERT की बुक का एक एग्जीक्यूशन लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ टाइप से ये सवाल पूछा गया है। वो किसे पूछा गया है उसकी बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। हमें ये कहा गया है कि कोई पदार्थ है आपके पास में, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए करते हैं। तो पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि सफेदी के अंदर हम किस विलयन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसे हम कहते हैं भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, उसका हम प्रयोग करते हैं। और हमें यहां पर यह कहा गया है कि पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग करते हैं हम, तो पदार्थ एक्स क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये देखो, पदार्थ एक्स का नाम व सूत्र। तो पहले आप सूत्र देखो, सूत्र क्या है? सूत्र होगा CaO और इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये पदार्थ एक्स है और अभी आपको मालूम हो तो मैंने कहा था इसे ही कहते हैं क्या? बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। और मैंने कहा था इसी को ही कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम, ये भी याद रखना। और पदार्थ एक्स ये है, इसका ये सूत्र ये हो गया, हमारे पास नाम ये हो गया और ये प्रसिद्ध नाम है। ये हम लेके आते हैं
सफेदी के भट्टे से या मार्केट से ये लेके आते हैं जो पत्थर होते हैं। अब हम लाकर इसको जल में भिगो देते हैं। जल है तो ये क्या है, H2O, ये हमने भिगो दिया तो ये क्रिया करके क्या बना लेता है, ये क्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मजेदार बात ये है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। और यही क्या होता है हमारे पास में, यही सफेदी का विलयन होता है। क्या होता है, सफेदी का विलयन। दीवारों पर हम इसी की ही क्या करते हैं, सफेदी करते हैं, क्लियर। और जब सफेदी करते हैं तो क्या होता है, जब सफेदी करते हैं तो स्टार्टिंग में दीवारें गीली होती हैं, तो कुछ जल है वो दीवारों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ वायुमंडल में उड़ जाता है, और वायुमंडल से जो CO2 है वो इससे क्रिया कर लेती है, जबकि जल वायुमंडल में चला जाता है और जाने के बाद में एक पदार्थ बनता है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। इसमें से जल बाहर निकल जाएगा और CO2 जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैंने कहा था इसे कहते हैं चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल, खड़िया पत्थर, और इसी के कारण दीवारों पर क्या आती है, चमक आती है। तो याद रखना, आपको सवाल ये पूछ ले कि जो सफेदी करने के बाद में दीवारों पर जो चमक आती है वो किसके कारण आती है, किसके बनने के कारण आती है, किसकी पपड़ी के कारण आती है, तो आप कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, क्लियर। तो आज मैंने इस क्लास के अंदर इस एग्जाम्पल को और जो वियोजन अभिक्रिया थी मैंने उसको आपको कंप्लीट करवा दिया है अच्छे से। कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, आप शेयर करें। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, क्योंकि लंबी थी तो मैंने सोचा कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम डिटेल से और अलग से हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।